मुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गए। तो व्हाट्सएप गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपने जो अभी स्क्रीन पे वीडियो देखी, इस तरह की वीडियो बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में जो जो चीज का यूज करने वाला हूँ, उस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर लेना। दोस्तों जो कैन मास्टर मैं यूज करता हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। तो दोस्तों बिना टाइम जाए कि हम मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहां पर हम वीडियो को एडिट करते हैं। तो दोस्तों मैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ, तो मैं अपने कैन मास्टर को ओपन कर देता हूँ, आप भी ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इंटरफेस इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, आपको जाना होगा प्लस वाले ऑप्शन में। तो मैं चले जाता हूँ प्लस वाले ऑप्शन में। जाने के बाद 9:16 के फ्रेम को आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने वो पिक सेलेक्ट करनी है जिसका आपको स्टेटस बनाना है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने पिक सेलेक्ट कर ली है। दोस्तों अब हम देखेंगे जोन सी पिक का हमारा फुल स्क्रीन में फ्रेम नहीं होगा, हम उसको फुल स्क्रीन कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका फुल स्क्रीन नहीं है, तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए हम एक मरतबा इस तस्वीर को दबाएंगे, एक मरतबा ऐसे, फिर इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इस पर पहले क्लिक करेंगे और दो मरतबा फिंगर से अटैच करेंगे स्क्रीन को, तो ये हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद कर देंगे ओके। इसके बाद हम दूसरी पिक देखेंगे जो फुल स्क्रीन में नहीं है, आप देख सकते हैं ये भी नहीं है। इस हम एक मरतबा पिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको दबाएंगे स्क्रीन करेंगे और दो मरतबा हम फिंगर से टच करेंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ये भी हो गई, यहाँ से कर देंगे ओके। अब हम और पिक देखेंगे जो फुल स्क्रीन नहीं है, सारी फुल स्क्रीन है। दोस्तों ये एंड वाली रह गई, इसको भी कर देता हूँ। पिक पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ से इस पर जाएंगे, दो मरतबा फिंगर से टच करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से कर देंगे ओके। दोस्तों ये करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आपने इसमें जाना। इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो ट्रांसलेशन नजर आ रहे हैं, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको गेट मोर ऑप्शन में जाना होगा, यहाँ पर इसको दबाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। दोस्तों ये तब भी होगा जब आपके इंटरनेट पैकेज होगा, इस वक्त मेरे इंटरनेट पैकेज नहीं है, तो मैं डाउनलोड करके रख चुका हूँ। दोस्तों जब आपके इंटरनेट पैकेज होगा, आप गेट मोर पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन आपको मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी से इसको लगा लेता हूँ। पहले ट्रांसलेशन हमारा ये है, आप देख सकते हैं, पहले को हम ऐसे करेंगे और यहाँ से इसको वन पे रख देंगे, यहाँ से कर देंगे ओके। फिर दूसरे वाले प्लस पे जाएंगे और नीचे वाले पे हार्ट वाले पे जाएंगे, इसको हम ये रख लेंगे, इसको भी वन स्क्रीन पे कर देंगे, वन पे कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। फिर तीसरे वाले प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर फिर हम रखेंगे ये वाला तीसरे नंबर वाला, आप देख सकते हैं, और इसको कर देंगे वन पे और यहाँ से कर देंगे ओके। इसके बाद फिर हम प्लस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से फिर हम रखेंगे, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, तो आप देख सकते हैं मैं रख रहा हूँ और यहाँ से कर देंगे ओके। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी सब पे कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने सब पे ट्रांसलेशन लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं, मैं एक मतलब वीडियो को प्ले कर देता हूं। इफेक्ट लगा दिया है। दोस्तों आपको ख्याल ये रखना है, ये 36 सेकंड की हमारी वीडियो बनी है, इसको हमने 28 सेकंड या 29 सेकंड तक करना है, तो ये ज्यादा बन चुके हैं, तो इसमें से मैं थोड़ी तस्वीरों को थोड़ा सा कट कर देता हूं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने तस्वीरों को थोड़ा सा कटिंग करके इसको 28 सेकंड का कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा काम हमारा रहता है, वो भी हम कर लेते हैं। पहले मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट फुल HD में, आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट हो रही है। तो दोस्तों हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, हम फिर प्लस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से फिर यही फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक वाइट सा बैकग्राउंड ले लेना है, तो मैं ले लेता हूँ। बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों इसकी लेंथ को 28 सेकंड तक कर लेंगे, जितनी हमारी वीडियो थी। आप दोस्तों इसके बाद जाएंगे हम लेयर में, लेयर में जाएंगे गैलरी में, गैलरी में जाने के बाद हमें दोस्तों इसको सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों ये सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करेंगे इतना छोटा और इसको रख देंगे इधर, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये करने के बाद दोस्तों इसकी लेंथ भी हम बढ़ा देंगे, जितना हमारा बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से कर देंगे ओके। दोस्तों इसके बाद हम फिर इस पर मतलब क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको थ्री डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने थ्री डॉट पे दबाना है, यहाँ से इसको कर देंगे डुप्लीकेट और एक को पकड़ के इधर कर देंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने फिर एक मतलब इस पर क्लिक करना है ऊपर वाले को, और इस वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसको कर देंगे ओके। यहाँ से फिर नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर इधर आएंगे,
फिर फ्लोटिंग वाले पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों हो चुके हैं। इसके बाद फिर हम लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद टैक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। टैक्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों इधर आपने आना है इमोजी में, और इमोजी में आपको ये सिलेक्ट कर देना है। तो मैं कर लेता हूँ, यहाँ से कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद दोस्तों इसको मैं ऐसे बड़ा कर दूंगा, आप देख सकते हैं, और इसको रख दूंगा इधर। और दोस्तों इसकी लेंथ भी मैं बढ़ा दूंगा जितना हमारा बैकग्राउंड होगा, आप देख सकते हैं। फिर हमें लेयर में जाना होगा, फिर गैलरी में जाना होगा दोस्तों। इसके बाद हमें वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो अभी अभी हमने एक्सपोर्ट की थी थोड़ी देर पहले, उसको क्लिक करना। तो दोस्तों मैंने वो वीडियो सेलेक्ट कर दी है दोस्तों। इसके बाद आपको फर्स्ट वाले बैकग्राउंड में आना होगा जो व्हाइट रंग का है, इस पर आप लोग आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आपने ऑन कर देना है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों हमने ये जो सी वीडियो सेलेक्ट की है इस पर क्लिक करना है, और इसको कर देंगे ऐसे छोटा, आप देख सकते हैं, इसको रख देंगे इधर, इसको यहाँ से कर देंगे ओके दोस्तों। इसके बाद फिर आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद दोस्तों आपको ये हार्ट वाली फिर एक मरतबा पिक को सिलेक्ट करना है, तो मैं कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको ऐसे छोटा कर देंगे, छोटा करने के बाद इसको रख देंगे इधर, और यहाँ पर आपको थ्री डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है, और कर देंगे डुप्लीकेट, और इसको ऐसे नीचे कर देंगे फिंगर से। फिर आपने थ्री डॉट पर जाना है, फिर कर देंगे डुप्लीकेट, और उसको फिर ऐसे नीचे लेके आना, फिर थ्री डॉट पे जाएंगे, फिर डुप्लीकेट कर देंगे, फिर इसको ऐसे नीचे लेके आना, फिर जाएंगे, फिर डुप्लीकेट पे जाएंगे, फिर इसको ऐसे नीचे लेके जाना। ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से कर देना ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना होगा, गैलरी में जाना होगा दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। इसको कर देंगे फुल स्क्रीन, आप देख सकते हैं, और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों हम एक बार दोस्तों स्क्रीन पे टच करेंगे, और नीचे आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, आपने इसमें जाना है। तो यहाँ से आपने कर देना स्क्रीन, आप देख सकते हैं, और यहाँ से कर देंगे ओके दोस्तों। इसके बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से फिर गैलरी में जाएंगे दोस्तों। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी आप कर लेना डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ से फिर इसको कर देंगे फुल स्क्रीन इसको भी, और यहाँ से कर देंगे ओके। फिर इसको दबाएंगे दोस्तों, जो हमने वीडियो भी क्लिक की है। तो दोस्तों हमें फिर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों इसको भी हम कर देंगे स्क्रीन, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको फिर लेयर में जाना होगा, फिर गैलरी में जाना होगा दोस्तों। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ दोस्तों, मैं सेलेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा वीडियो को आगे करेंगे फिंगर से। तो दोस्तों आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पर आपको क्रॉप वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, और इसको ऐसे कर देंगे क्रॉप, इतने इतने इसको क्रॉप कर देंगे, और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और इसको रख देंगे हम इधर, आप देख सकते हैं, इसको रख देंगे इधर, और यहाँ से कर देंगे ओके। और दोस्तों हम एक मरतबा वीडियो को प्ले करके देखते हैं हमारी वीडियो कैसी बनी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में यह भी बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस ट्यूटोरियल पे लेके आऊं, मैं आपके लिए बनवा दूंगा, बस आप नीचे कमेंट कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।